सिंधु नर रुक हरी महा महोत्तम पुंज तासु वचन रवि कर निकर। इसमें कहते हैं गुरु जी की चरण किया है, बोले बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी। कहते गुरुदेव कौन है? कहते हरि ही ये नर रूप में आए, ये हरि ही। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं ना, आचार्य मां बिजा नियात न अब मन कहरी चीत न मर्त बुद्ध असुवते सर्वदेवमय गुरु। गुरु कौन है? ये सर्वदेवमय है। कहते आचार्य जी को क्या माननी चाहिए? आचार्य मांग बिजनियात, आचार्य को तुम मेरा ही स्वरूप समझना, न अवमान्य करची, कभी भी उनको अवमानना नहीं करनी चाहिए। कभी ये नर रूप हरी, हरी ही ये नर रूप धारण करते हुए आए, इसलिए बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु। कभी ये कौन है? बोले ये कृपा की सिंधु है, कृपा की सिंधु। इसलिए विश्वनाथ चौधरी ठाकुर क्या कहते हैं, संसार दाबा नर ली ढलो प्राणाय तारुण घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द। इसलिए कहते गुरुदेव कौन है? संसार दाबा नल लीढ़ लोक प्राणाय कारुण्य घन। संसार रूपी दाबा नल में हम लोग सबके सब दग्ध हो रहे हैं, इसलिए गुरुदेव कौन है? प्राप्त से कल्याण गुरार नवस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंद। भगवान का जो कृपा ही है, जो कृपा ही एक मूर्तिमान रूप श्री गुरु वैष्णव रूप में इस जगत में आए हैं, इसलिए गुरु जी की चरण को जो कमल है, हम चरण कमल को हम वंदना करते महा महतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह महा महतम पुंज है, ये संसार किया है बहुत बड़े अंधकार, संसार रूपी ये अंधकार है, अज्ञान तिमिराम दस ज्ञान जन सलाकया। इसलिए ये अज्ञान रूपी जो अंधकार में पड़े हुए, उनका जो वचन क्या करता है, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, हमारी हृदय में जो अज्ञान है वो अज्ञान को दूर कर देते हैं। इसलिए कहते बंदों गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरिमय चूरण चारु समन सकल भज रुज परिवारु। इसलिए गुरु जी के चरण कमल को प्रणाम करते हैं, जिसमें सुंदर है, जिसमें सुंदर सुवास है, जिसमें अनुराग है, जिसमें अमृत है, हैं? ये अमृत है, जिस अमृत को पान करने से जीव जैसे अमर हो जाते हैं, उसी तरह श्री गुरु जी के चरण कमल को आश्रय ग्रहण करने पर हमारी सारी अज्ञानता हमारी दूर हो जाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बहुत श्लोक उन्होंने बताए, उसको बाद में उन्होंने साधु संघ की महिमा बताते हैं। पहले तो गुरु जी की चरण की वंदना की, उसको बाद में फिर ये साधु संघ की क्या महिमा है, वो साधु संघ की महिमा को यहाँ पर बताते हैं। हैं? कते मोद मंगल माय संत समाजो मोद मंगल समाजो जो जग जग तीरथ राजो जो जग संगम तीरथ राजो राम भक्ति जहाँ सुर सरी राम भक्ति जहाँ सरी सोर धारा सरसाई ब्रह्मा विचार प्रचारा सरसाई ब्रह्मा
ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಮೋಂದ ಮಂಗಲ ಮಾಯಸ ತಸಮಾಜು. ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬತಾಯೇ ಸಾಧು ಸಂಘ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಮಹಿಮಾ ಹೈ, ಸಾಧು ಲೋಗ ಕೌನ್ ಹೈ? ಬೋಲೆ ಭೂತ ಮಂಗಲಮಯ ಸಂತ ಸಮಾಜು ಜೋ ಜಗ ಜಗಮ ತೀರ್ಥ ರಾಜು. ಇಸ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘ ಕೋನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಿಯಾ ಹೈ, ಕಹತೆ ಯೇ ತೀರ್ಥ ರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ. ಯೇ ಕೌನ್ ಹೈ ಸಾಧು ಸಂಘ? ಕ್ಯಾ ಹೈ ಯೇ ತೀರ್ಥ ರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿ ಜೋ ಸಂತ ಸಮಾಜು ಕ್ಯಾ ಬೋಲೆ ಭೂತ ಮಂಗಲಮಯ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸಹಿ ಜೀವ ಕಾ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಯೇ ಜೋ ಸಾಧು ಸಂಘ ಹೈ ಕಹತೆ ಯೇ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ ಹೈ. ಹೈ ಪ್ರಯಾಗ ಮೇ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಔರ್ ಯೇ ಸರಸ್ವತಿ ಯೇ ತಿನ್ನೋ ಕಾ ಮಿಲನ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ ತೀರ್ಥ ರಾಜ ಹೈ. ಕಹತೆ ಜಹಾಂ ಪರ್ ಸಾಧು ಸಂಘ ಹೈ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ಸಂತ ಲೋಗ ಬೈಠೆ ಭಕ್ತ ಲೋಗ ಬೈಠೆ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಬತಾಯೇ, ಬೋಲೆ ಸರ್ಪಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಬಸಂತಿ ತತ್ರ ಜಥಾ ಚುತಾದರ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ. ಮಹಾತ ಶ್ರೀ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಹತೆ ಹೈ, ಬೋಲೆ ಸರ್ಪಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಬಸಂತಿ ತತ್ರ. ಪೃಥ್ವಿ ಕಾ ಜಿತ್ನೆ ಸಾರೆ ತೀರ್ಥ ವಹಿ ಪರ ಬೈಠತೆ ಹೈ. ಬೋಲೆ ಕಹಾಂ ಪರ? ಬೋಲೆ ಜಥಾ ಚುತಾದರ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಕಿ ಕಥಾ ಹೈ. ಕಿತನಾ ತೀರ್ಥ ಹೈ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇ? ಕಹತೆ 6 ಅರಬ ತೀರ್ಥ ಹೈ. ಕಿತನಾ ತೀರ್ಥ ಹೈ? 1 ಅರಬ ಮೇ ಕಿತನಾ ಹೋತಾ ಹೈ? 1 ಅರಬ ಕಿತನಾ ಹೋತಾ ಹೈ? 100 ಕರೋಡ ಮೇ 1 ಅರಬ ಹೈ. ಔರ್ ಜಹಾಂ ಪರ್ ಯೇ ಹರಿ ಕಥಾ ಹೋ ರಹಿ ನಾ, ಕಹತೆ ವಹಾಂ ಪರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾ ಸಾರೆ ತೀರ್ಥ ಮತಲಬ 600 ಕರೋಡ ಅರಬ ತೀರ್ಥ ವಹಿ ಪರ್ ನಿವಾಸ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ಯೇ ಹರಿ ಕಥಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ಯೇ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಇತನೆ ಸಾರೆ ತೀರ್ಥ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಕೋಯಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ? 6 ಕರೋಡ ಅರಬ ಮೇ ಕೋಯಿ ತೀರ್ಥ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ? ಅಸಂಭವ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಹತೆ ಹೈ, ಜೋ ಕಥಾರೂಪಿ ಗಂಗಾ ಮೇ ಜೋ ಸ್ನಾನ ಕರ್ ಲಿಯಾ ನಾ, ವೋ ಬೈಠ ಬೈಠ ಕರ ಸಾರಾ ತೀರ್ಥ ಮೇ ತುಮ್ನೆ ಸ್ನಾನ ಕರ್ ಲಿಯಾ, ಸಾರಾ ತೀರ್ಥ ಮೇ ವಹಿ ಪರ್ ಬೈಠ ಬೈಠ ಕರ ಸ್ನಾನ ಕರ್ ಲಿಯಾ. ಔರ್ ಉಸ್ಸೇ ಸೇ ಭಿ ಜ್ಯಾದಾ ಮಹತ್ವ ಹೈ ಯೇ ಕಥಾರೂಪಿ ಗಂಗಾ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಕಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಗಂಗಾ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರೋ ಕೇವಲ ಉಪರ ಕಾ ಥೋಡಿ ಪಾಪ ಖತಮ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಅಂದರ್ ಕಾ ಜೋ ಪಾಪ ಖತಮ್ ನೀ ಹೋತಾ ಹೈ, ಅಂದರ್ ಕಾ ಜೋ ಪವಿತ್ರತಾ ತಾ ಕೇವಲ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸೇ ಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿ ಜಹಾಂ ಕಹ ರಹೇ ಹೈ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ಹರಿ ಕಥಾ ಸಂತ ಸಮಾಗಮ ಹೈ, ವೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಬೋಲೆ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ ಕಾ ನಿವಾಸ ಹೈ. ಕಹತೆ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ ಮೇ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಪರ್ ಇಸ್ಮೇ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕಹಾ ಹೈ? ದೇಖೋ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ದಿಯಾ, ಗಂಗಾ ಕಹಾ ಔರ್ ಜಮುನಾ ಕಹಾ ಔರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಕಹಾ ಹೈ. ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಉದಾಹರಣೆ ದೇತೆ ಹೈ, ಬೋಲೆ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಜಹಾ ಸುರ ಸರಿ ಧಾರಾ ಸರಸೈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ. ತವನೇ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋ ಸಾಥ್ ಉದಾಹರಣೆ ದೇ ರಹೇ ಹೈ. ಕಹತೆ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಜಹಾ ಸುರ ಸರಿ ಧಾರಾ, ಸುರ ಸರಿ ಮತಲಬ ಗಂಗಾ ಹೈ, ಹೈ ಗಂಗಾ ಕಿ ಧಾರಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಬೋಲೆ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಹೈ ವಹಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಹೈ, ವಹಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ದೇವಿ ವಹಿ ಹೈ. ಕಹತೆ ಸರಸೈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ತತ್ವತ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಜಹಾಂ ಭಗವತ್ ಕಥಾ ಹೈ. ರಾಮ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ತೋ ಹೋ ಗಯಿ ಕ್ಯಾ ಯೇ ಗಂಗಾ, ಯೇ ಹೋ ಗಯಿ ಗಂಗಾ. ಔರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಿ? ಜಹಾಂ ಪರ್ ಭಗವತ್ ಚರ್ಚಾ, ಜಹಾಂ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ರೂಪಿ ಚರ್ಚಾ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಿ? ಯೇ ಹೋ ಗಯಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ. ಬೋಲೆ ಯೇ ಜಮುನಾ ಕಹಾಂ ಗಯಿ? ಪರ್ ಯೇ ಜಮುನಾ ಕಹಾಂ ಗಯಿ? ಪರ್ ಜಮುನಾ ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಬೀಧಿ ನಿಸದ ಮಾಯಾ ಕಲಿ ಮಾಲ ಹರಣಿ, ಬೀಧಿ ನಿಸದ ಮಾಯಾ ಕಲಿ ಮಾಲ ಹರಣಿ, ಕರಮ ಕಥಾ ರವಿ ನಂದನಿ ಬರ್ಣಿ, ಕರಮ ಕಥಾ ರವಿ ನಂದನಿ ಬರಣಿ. ಯಾ ಕಹ ರಹೇ ಯಮುನಾ ಕೌನ್ ಹೈ? ಬೋಲೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಕಲಿಮಲ ಹರಿಣಿ ಹೈ. ಕಹತೆ ಜಿಸ್ ಕಥಾ ಪರ್ ವಿಧಿ ಔರ್ ನಿಷೇಧ, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ, ವಿಧಿ ಮತಲಬ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ನಿಷೇಧ ಮತಲಬ ಕ್ಯಾ ನಹಿ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ಜೋ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಹೈ,
कहते भैया विधि क्या और निषेध क्या है, बोलो क्या श्लोक, कोई श्लोक है? विधि क्या और निषेध क्या है, कोई श्लोक है? हाँ ये श्लोक है, बोले स्मर्तव्य सतत विष्णु विस्मर्तव्य न जाचु जिता सर्वे विधि निषेधा सूर्योदय रेव किंकरा। इसलिए विधि क्या है, विधि एक ही विधि है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हर समय उसको याद करो, हर समय उसको, यही केवल विधि। बोले निषेध किया है न विस्मर्तव्य जातु जीता, निषेध ये है कभी उसको भूलना नहीं, चिंतन केवल भगवत चिंतन और उसको भूलना नहीं। ये जो विधि निषेध जो कथा है ये क्या है, बोले कलिमल हरिणी। अगर हर समय हम भगवान की कथा करें, भगवान की चिंतन करें, हैं भगवत चिंतन कर में क्या होगा, ये अपने आप ये कली, अपने आप ये कली नष्ट हो जाएगी। कलिमल हरिणी कर्म कथा रवि नंदिनी भरणी, रवि नंदिनी मतलब, रवि मतलब सूरज है, नंदिनी मतलब उसकी जो बेटी, सूरज का बेटी कौन है, कालिंदी श्री यमुना, हाँ ये श्री यमुना, ये क्या है कर्म कथा है। इसलिए कर्म कथा रवि नंदिनी भरणी, इसलिए जो विधि निषेध जो कलिमल हरिणी और जो भक्ति की जो कथा यही श्री यमुना। इसलिए जहां पर ये साधु संग में जहां पर हरि कथा हो रही है, जहां तत्व दर्शन की बात है, विधि निषेध की बात है, जहां पर भक्ति की बात है, वहीं पर गंगा यमुना, वहीं पर ही ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही वहीं पर है। हरिहर कथाबीरा जति बेनी सुनत सका मोद मंगल देनी, हरिहर कथाबीरा जति बेनी सुनत सका मोद मंगल देनी। हरिहर कथा, हरि मतलब भगवान है, हर मतलब शंकर जी है, कहते भक्त और भगवान की जहाँ पर कथा वही पर त्रिवेणी, वही पर श्री त्रिवेणी, जहाँ पर भक्त भगवान की कथा ही ये वेणी, ये त्रिवेणी, जिसको सुनने से क्या होता है, जीवन तुम्हारे मंगल मंगल हो जाएगा, जीवन तुम्हारा कल्याण कल्याण हो जाएगा। बोले चौथा उदाहरण देते हैं, कहते भैया अक्षय वट क्या है, वृंदा हमारे पुरी में अक्षय वट है ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, कल्प वट है, कहते यहाँ कहते वो अक्षय वट क्या है, बोले बाटो विश्वास सा अचलनी ज धर्मा, बाटो विश्वास सा अचलनी ज धर्मा, तीरा धराज समाजो सो करमा, तीरा धराज समाजो सो करमा। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बता रही, बोले जिस जिस अक्षय बैठ को नीचे बैठी करके जब शंकर जी पार्वती को कथा सुनाए, वहां पर भी अक्षय बैठे हैं, वहां पर कल्प वृक्ष है, अक्षय बैठ को नीचे कथा सुनाए, कहते जिस बट वृक्ष को नीचे बैठी करके संत लोग ये कथा रवि गंगा की यमुना की सरस्वती की धारा बहती है, वो अक्षय बट क्या है, ये चीज पर ध्यान देकर सुनो, ये क्या बहुत अच्छी बात बता रही, कहते जो अक्षय बैठे है जो विश्वास अचल निज धर्मा, हमारे अंदर में जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, भक्ति का मूल श्रद्धा, हाँ श्रद्धा शब्द कहे क्या बोलो, सुदृढ़ निश्चय, और कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है, हाँ सर्वकर्म कृत है, ये विश्वास होनी चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं, कोई कोई कहते ना हमने घर द्वार छोड़ दिया, पिता माता हमने छोड़ दिया, मंदिर में आ गए, ठाकुर को सेवा कर रहे हैं, गुरु वैष्णव की हम सेवा कर रहे हैं, फिर हमारे ये घर को कौन देखेगा, हमारे हाँ हमें तो कोई पाप तो फिर नहीं लगेगा, फिर पाप नहीं लगेगा, फिर हमारी पीछे सारे धर्म कर्म हमने सबको छोड़ छाड़ दिया, छोड़ करके हमने आगे मंदिर में अपना पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़े, पिता माता छोड़ दिए हैं, अभी ये सब छोड़ दिए फिर पाप तो नहीं लगेगा, बोले नहीं पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कृष्ण कहते ना सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापे मुक्षयिष्यामि माम सुच। है सारे धर्म को छोड़कर तू मेरे शरण में आ जा, आ जाने पर मैं क्या करूंगा तुम्हारे पीछे जितने कहते पीछे उन्होंने 36 करोड़ कितने गुरु जी कहते थे बोले 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को भगवान ने नियुक्त करके रखी। बोले जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाएगा उसका पीछे का जितने काम है ये 36 करोड़ कौन करेगा, 36 करोड़ ये कर्मकांडी ब्राह्मण उसको पूरी करेंगे, हैं सारे ब्राह्मण ये पूरी करेंगे। गुरुदेव कहते थे कि बोले माँ की ऋणी जिंदगी भर सेवा करोगे ना माँ की ऋणी से भी मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि मैया पेट में 9 महीना तक धारण करती हैं, उनको पता कितने कष्ट प्रसव पीड़ा तो जिसमें बच्चे जन्म ग्रहण करते तुम देखे हम लोग गांव में कभी देखे क्या कष्ट चिल्लाती रहती थी। हाँ उस समय में पति को गाली देती है पति को इतने गाली देती है उस समय है कितने गंदी गंदी गाली देती उस समय पत्नी उसको इतने कष्ट फिर बच्चों को लालन पालन करना। गुरुदेव कहते थे माँ की ऋणी हजार जन्म भी तुम चुका नहीं सकते हो, हजार जन्म भी चुका नहीं सकते माँ की ऋणी। फिर 6 तरह का ऋणी रह गया ना, देवता ऋणी रह गया, ऋषि ऋणी रह गया, फिर तुमको राजा ऋणी रह गया, पिता माता ऋणी रह गया, परिवार ऋणी, इतने सब ऋणी फिर मुक्त कैसे हो गए। लेकिन भागवत क्या कहता है कौन सा श्लोक है, हाँ देवर्षि इस श्लोक याद करना सबके सब देवर्षि भूतापत नृणाम नाय मृणी च राजन सर्वात्मना ज शरणम शरणम गतम गुदम परिहर्त कर्तव्यम। है कहते हैं ये 6 तरह का ऋणी है, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में भगवान के शरण में आ जाता है वो सारे ऋणी से अपनी आप मुक्त हो जाते हैं, सारे ऋणी से अपनी आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे महाप्रभु किसी उम्र में संन्यास लिए बताओ, 26 साल में। स्थिति क्या गुरुदेव कहते थे पहले पिताजी शरीर छोड़ दिए, पिताजी पहले शरीर छोड़े, उसको बाद में बड़े भैया विश्वरूप ने संन्यास ले लिया। घर में कौन है, शादी हुई केवल 16-17 साल की, केवल विष्णु प्रिया घर में है, केवल घर में विष्णु प्रिया इसी उम्र में, और घर में एक वृद्धा माँ, घर में और कोई नहीं एक वृद्धा माँ। और पहले क्या नियम होता था, माताएं कोई बाहर नहीं निकलती थी, कहीं बाहर नहीं निकलती, घर में एक वृद्धा माँ और केवल घर में पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़ करके महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। महाप्रभु शिक्षा देते हैं जगत में जितने कर्तव्य हम मान रखे हैं, जगत में जितने कर्तव्य हम मान रखे हैं अगर जीवन में सर्वश्रेष्ठ कोई कर्तव्य है तो भगवान के भजन करना। इसलिए महाप्रभु इसी उम्र में उन्होंने दिखाया, कितने उम्र में मैंने घर को छोड़ा, मैंने इसी उम्र में और सारा दुनिया को ठोकर दे करके निर्दय बन करके निर्दया घाट में छलांग लगाए और महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। गुरुदेव कहते थे एक समय अद्वैत आचार्य महाप्रभु से पूछे बोले प्रभु आपको ये संन्यास लेने का क्या जरूरत था, अब ये संन्यास क्यों लिए, क्योंकि माँ तो बहुत अच्छी है भक्ति में मदद करने वाले, पत्नी अब सवेरे नहाने से पहले उठ करके घर को लिपा पोता लगा कर झाड़ू बुहारी लगा करके सब रेडी कर देती हैं, हैं घर से उठने पर स्नान करने के आते ही सारे पूजा के लिए फूल फल चंदन सब घिस करके रेडी कर देती थी, पूजा करते करते घर में खाना बना करके सब रेडी कर देती थी, घर में कुछ करना नहीं पड़ता था आपको, हर तरह से विष्णुप्रिया तुम्हें मदद करती थी, पर तुमको ये संन्यास लेने का क्या जरूरत था, किसने पूछा, अद्वैत आचार्य महाप्रभु से पूछा। महाप्रभु बोले देखो जब तक ये संसार परित्याग नहीं देते हो कृष्ण प्रेम रस में कभी भी तुम डूब नहीं सकते हो, कभी डूब नहीं सकते हो। महाप्रभु दिन रात हा कृष्ण दिन रात कोई चिंता नहीं, संपूर्ण कृष्ण प्रेम में डूबे संसार व्यक्ति कर सकता है, शादी होते ही जो एनर्जी था ना आधी तो गई पत्नी में, कितना गई, आधी गई पत्नी में, उसको बाद में 1-2 बच्चा हो गया ना, जो थोड़ी बहुत तुम्हारी थी वो सबके सब बच्चों में गया तुम्हारी, दिन भर है कैसे अर्थ उपार्जन करेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे, दिन भर दिमाग में वही चलता है,
पैसा कैसे कमाएंगे, बीबी को कैसे खुश करेंगे, हैं कैसे बीबी को खुश करेंगे, ये दिन भर उसी चिंता में जाता है। दिन भर कैसे पैसा कमाए, पैसा पैसा करते करते गया उसमें, रात भर किसको पास में सोए, बीबी को पास में रात भर सोया। तो फिर तो बच्चों को प्रति थोड़ी बहुत जो प्रेम बच्चे को प्रति, तुम्हारी क्या पास में रह गया भगवान को दोगे, तुम बताओ क्या रह गया तुम्हारी पास में, कुछ रह गया, कुछ रह गया, कुछ भी नहीं रह गया तुम्हारी पास में। अभी हमारे सुखदेव अगर बच्चा था ना, शादी कर लिया था, वो टोटो चलाया करता था, अभी उसको उसकी पत्नी छोड़कर चली गई कुछ दिन बाद में। मैंने कहा क्या तेरे को छोड़कर क्यों चली गई, बोले महाराज जी आप सही कहते थे, वो दिन भर उसकी वजह से मैं कहाँ भजन करता था मंदिर में, कहाँ आनंद में रहता था, उसकी वजह से मेरे को टोटो चलाना पड़ा, उसने मेरे को मेन रोड में निकाल दी टोटो चलाने में, दिन भर टोटो चलाने में इसका गाली खाओ धक्का मुक्का खाओ। फिर घर में आओ तो वो बोलती हमको लिपस्टिक ला दो, हमारे लिए बढ़िया साड़ी ला दो, हमारे लिए अलंकार ले आओ, हैं दिन भर उसको जितने कोई इच्छा पूरी करो उसको शांति, वो तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं, दिन भर काम करते करते आओ और इसकी गाली सुना, ये दो, लास्ट में तो वो अपना पियर चली गई, अपना पियर चली गई, अच्छा हो गया अभी तो मंदिर में लेकर भजन कर, मेरे और तो किसको पकड़ोगे नहीं फिर। बोले महाराज जी आप जो कहते थे सही कहते थे, मैंने देख लिया संसार क्या चीज है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते बट्टू विश्वास अचल निज धर्मा, कहते जो अटल रूप में जो भक्ति है, वो जो वृक्ष है, जो अखर बट है, मतलब जिस भक्ति रूपी वृक्ष को नीचे अटल विश्वास, कहते कृष्णा भक्ति कैले सर्वकर्मा कृता है। श्रद्धा किसको कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्मा कृता है। जब ये विश्वास हो जाए, जब हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, जीवन का सारे कर्तव्य हमारी हो गया, जगत का सारे कर्तव्य तुम्हारी पूरी हो गई, समझ रहे हो। कहते ये जो बटवृक्ष है यही, ये अखय बट है, ये विश्वास, भगवान की भक्ति करने से विश्वास, ये विश्वास होनी चाहिए, ठीक है ना। बस इसी विश्वास को साथ में क्या करनी चाहिए, भगवान की भजन करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, फिर इसको कल सुनेंगे। कहते गंगा जमुना सरस्वती तो वहीं पर नदी बह रही है, प्रयाग तो वहीं पर बह रही है, ये कब कल्याण करती है, जब वहां पर जाओ स्नान करो तब कल्याण करती है। लेकिन संत कैसे हैं, ये बहता हुआ त्रिवेणी, कहते ये बहता हुआ सत्संग क्या है, ये बहता हुआ त्रिवेणी, वो त्रिवेणी में जाओ स्नान करो फिर कल्याण करेगी। लेकिन जहां पर संत लोग चलते हैं, जहां पर हरि कथा बोलते बस वहीं पर त्रिवेणी आ जाती है, और ये बहता हुआ त्रिवेणी क्या है, संत का सांग साधु संग ही जहां गए उसको ही त्रिवेणी बना देते हैं, वही उसको ही ये त्रिवेणी बना देते हैं। इसलिए कहते साधु संघ की बड़ी महिमा, इसलिए गोस्वामी जी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देकर समझाते हैं। ललिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोले शिष्यावर रामचंद्र की, ललिताई गौर प्रेमानंदे बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai, Nitai, Nitai Gauranga, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Bolo, Hare Krishna, Bolo Ji. Bola Hari Rama, Rama Rama Hari Hari. Bola Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna Hari Hari. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari 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 Bol, 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 Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol, Jai Sri Sri Guru.